Hello students, welcome again, and today we are dealing with cell organelles. Okay, so the chapter name is the fundamental unit of life, and the fundamental unit of life is cell. Okay, so we are discussing each and every part of the cell, including cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus. Okay, we have discussed all that part, but today we are discussing about the cell organelles. That is one of the most important topic. Okay, so there are so many different kind of cell organelles are present in the cell, but specifically in eukaryotic cell, not in prokaryotic cells. जैसे हमने आगे ही पढ़ा है कि prokaryotic cells जो है उसमें इतनी developed cell organelles present नहीं है, but eukaryotic cells है उसमें बहुत different variety of cell organelles present है. Okay, and let's start the introduction of the cell organelles. So membrane of cell organelles, that means the cell membrane. Cell membrane separate इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ओके, तो जब मैंने सेल मेम्ब्रेन का डिस्कशन किया था, ओके, प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है वो बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेपरेट करती है. तो सेम कंडीशन है सेल में. सेल में क्या होगा कि सेल का जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो सेल के एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेपरेट करने का काम कौन करता है? लिपिड बायलेयर और सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. ओके, मल्टी दैट मीन्स मोर देन वन, एंड सेलुलर दैट मीन्स सेल. तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है वो किससे बने होते हैं? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स से. एंड आपको पता है कि अगर सिंपल कोई भी मटेरियल सिंपल है या कोई भी थिंग सिंपल है तो वो इजीली हैंडल हो सकते हैं, बट अगर कोई मटेरियल या कोई थिंग या फिर कुछ भी अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको सॉल्व करना या उसको एक्टिव उसका एक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, तो अगर ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स है तो उसके लिए लार्ज केमिकल एक्टिविटीज जरूरी है. और केमिकल एक्टिविटीज क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सेल्स तो कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेल्स के जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करने के लिए ये केमिकल एक्टिविटीज जरूरी है. देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स आर देयर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ओके, अभी ये जो केमिकल एक्टिविटीज है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में होगी. जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, कि एक कार डिजाइन हो रही है, तो वो जो कार है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी कार एक ही जगह पे प्रिपेयर हो. कार में कैसा होता है कि उसके जो इंजन होते हैं वो अलग जगह पे प्रिपेयर होते हैं, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग जगह पे प्रिपेयर होता है, उसका जो ऑटोमोबाइल पार्ट है वो अलग जगह पे प्रिपेयर होता है. तो ये क्या है कि अगर समझ लो कि आपकी कार जो है वो आपका सेल है, ठीक है, अभी ये जो समझ लो कि ये इंजन है, वो इंजन एक जगह पे प्रिपेयर हो रहा है, तो इंजन प्रिपेयर होने के लिए एक अलग सेपरेट जगह है, ठीक है. अगर ऑटोमोबाइल पार्ट है तो वो प्रिपेयर होने के लिए एक अलग जगह प्रोवाइड की है. तो सेम कि ये जो केमिकल एक्टिविटीज है, जो सेल है, सेल में जो अलग अलग केमिकल एक्टिविटी है, तो एक केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक अलग जगह प्रोवाइड होगी, अगर दूसरी केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए कोई और अलग जगह प्रोवाइड होगी. तो ये जो सेपरेट कंपार्टमेंट जो केमिकल एक्टिविटीज के लिए दिए गए होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स. ओके, एंड इट इज ओनली ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप बोला, तो लाइट माइक्रोस्कोप से आप साइटोप्लाज्म तो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, बट साइटोप्लाज्म में हम जो ऑर्गेनल्स है वो इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उसको हमें बहुत अच्छे से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ेगा. एक छोटा सा वीडियो है वो देख लो तो आपको समझ में आएगा कैसे साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है और कैसे प्रेजेंट है. Okay, so the
first cell organelle है, that is the endoplasmic reticulum, which is also known as ER, okay, or short form is ER. So endoplasmic reticulum is a long network of membrane bound tubes and sheets, and it looks like a long tubules, round oblongs, bags. और ये जो bags है उसको हमने vesicles बोला था, okay? आपकी screen पे image है जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि वो कैसे membrane से बनी हुई है, double layer है, और कैसे वो long tubules है, round है, वो आपको समझ में आ रहा है, okay? Now the structure of endoplasmic reticulum is similar to that of the plasma membrane. Plasma membrane है वो मैंने आपको बताया था कि कैसे बना हुआ है, एक lipid layer है, उसके नीचे दूसरा lipid layer है, और इसमें बहुत सारे proteins attached है. तो same structure ये endoplasmic reticulum का रहेगा, okay? Now there are two type of endoplasmic reticulum. First one is rough endoplasmic reticulum and second one is smooth endoplasmic reticulum. Why it is known as rough and smooth? Okay, because the rough ER has ribosome on its surface. जैसे कि कोई ER endoplasmic reticulum है तो उसके membrane जो है उसमें बहुत सारे ribosomes present होते हैं, और ribosomes का main काम क्या होता है कि protein manufacture करता है. और smooth ER है तो smooth ER की surface जो है उसके ऊपर ribosomes present नहीं होता. okay, जब आप microscope में देखोगे, microscope मतलब electron microscope में cell organelles की study करते हो, तो at that time आपको जो ribosomes वाले ER है वो rough look लगेगा, इसीलिए को हम बोलते हैं रफ ईआर. बट जिसके मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो वो आपको माइक्रोस्कोप में स्मूथ दिखेंगे, और जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है उसके ही हिसाब से उसको रफ ईआर बोलते हैं और स्मूथ ईआर बोलते हैं. ओके, रफ दैट मींस राइबोसोम्स प्रेजेंट है और स्मूथ दैट मींस राइबोसोम्स एब्सेंट है. द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स आर प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ओके, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, और ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हुआ है उसको सेल में जहां पे जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि ईआर जो है वो हमने पहले ही बोला कि लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो पूरे सेल में स्प्रेड होती है, मतलब पूरे सेल में बहुत वाइडली स्प्रेड होती है. तो इसकी वजह से क्या है कि अगर राइबोसोम्स में प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया तो उसको सेल के अलग अलग जगह पे पहुंचाने का काम कौन करता है? ईआर. देखो मैंने लिखा भी है सर्व एज अ चैनल. चैनल दैट मीन्स कि एक ट्रांसपोर्ट मटेरियल तरीके से वर्क करता है. ओके, नाउ एस ई आर दैट मीन्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड. ओके, ये जो बात है राइबोसोम्स की है, राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, और रफ ईआर जो है उसको वेरियस प्लेस में पहुंचाने का काम करता है. बट जो स्मूथ ईआर है वो स्मूथ ईआर क्या करती है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, लिपिड और फैट सेम ही है. ओके, तो ये जो लिपिड और फैट मॉलिक्यूल जो है उसका मैन्युफैक्चर कौन करता है? एस ई आर. ओके, तो ये लिपिड, हमने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बायलेयर, तो ये लिपिड कहां पे जाएगा? मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बायो बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ओके, इतना याद रखना, इजी है, सिंपल. पहले उसका स्ट्रक्चर याद रखो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, देन ईआर जो है वो दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ. स्मूथ और रफ किसके बेसिस पे होते हैं वो आपको लिखना है, और उसके बाद उसके फंक्शंस लिखना है. ओके, नेक्स्ट, अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर एक्ट एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. ओके, ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ना उससे ही एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनते हैं, हमेशा याद रखना. एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीनिक मटेरियल होते हैं, और जो हॉर्मोन्स होते हैं वो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं. लिपिड सॉल्यूबल दैट मीन्स वो लिपिड से बना होता है और वो लिपिड में इजिली सॉल्यूबल हो सकता है. जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक के साथ मिक्स होता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक के साथ मिक्स होता है. तो अगर कोई हॉर्मोन लिपिड सॉल्यूबल है, दैट मीन्स के लिपिड के साथ मिक्स हो रहा है, तो वो जो मटेरियल है वो भी तो लिपिड का बना हुआ हुआ होना चाहिए. तो सेम कंडीशन है कि हॉर्मोन या एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है. नाउ सम फंक्शंस आर गिवन अबाउट ईआर, दैट इज सर्व एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट. जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन को सेल के बाकी भाग में, बाकी हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करता है? ईआर. तो इसीलिए वो चैनल टू ट्रांसपोर्ट है.
ट्रांसपोर्ट मटेरियल, देन वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करता है, तो बिटवीन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर देखा तो वो न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस के एग्जैक्ट सराउंडिंग में कौन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर न्यूक्लियस में से कोई भी मटेरियल साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज होता है। और एक जगह से, मतलब साइटोप्लाज्म के ही एक जगह से दूसरी जगह पे कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है तभी भी हम ER यूज कर सकते हैं, मतलब ER का फंक्शन है ये। ओके, ER का मेन फंक्शन क्या है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसीलिए वो चैनल तरीके से वर्क करता है। और ट्रांसपोर्ट कहां पर करता है, एक ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म के एक पार्ट से साइटोप्लाज्म के दूसरे पार्ट तक। ओके, नाउ ER इज ऑल्सो एक्ट एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब समझ लो कि एक सरफेस प्रोवाइड करता है, फ्रेम दैट मीन्स कि सरफेस प्रोवाइड करता है कि जिसकी सरफेस पे डिफरेंट बायोकेमिकल देखो यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। व्हाट इज बायोकेमिकल एक्टिविटीज, बायो दैट मीन्स रिलेटेड टू द बायोलॉजी एंड केमिकल दैट मीन्स रिलेटेड टू द केमिकल, मतलब ऐसी कोई केमिकल एक्टिविटीज जिससे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो ये जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है वो होने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है, कौन सरफेस प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल इन वर्टिब्रेट्स लीवर सेल्स SCR। ओके, मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो लीवर होता है ना, लीवर में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारे सेल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा कम्पेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लीवर सेल में प्रेजेंट है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। मतलब आपने सुना होगा कि अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग्स ले लेते हैं तो उससे भी साइड इफेक्ट होता है, तो वो सारी चीजों को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज प्रेजेंट इन लीवर सेल्स। ओके, तो यहां तक अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको अपने स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया, कौन से टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट एंड दैट इज द गॉल्जी एपरेटर्स। समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी एपरेटर्स है ना, वो भाई भाई है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। ओके, तो दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड दैट इज अ कैमिलो गॉल्जी। ये जो साइंटिस्ट है उसने फर्स्ट ऑफ ऑल गॉल्जी एपरेटर्स डिस्कवर किया था। ओके, एंड गॉल्जी एपरेटर्स इज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स पैरेलली अरेंज टू ईच अदर कॉल्ड सिस्टर्न्स। ओके, तो आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दिख रही है और वो सारी वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक सिंगल वेसिकल्स को सिस्टर्न्स बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे जो वेसिकल्स है एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होके गॉल्जी एपरेटर्स बनाते हैं। ओके, सो आई टोल्ड यू दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी एपरेटर्स जो है वो भाई भाई है, तो क्या होगा कि सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ गॉल्जी एपरेटर्स और वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेनियस है ये भी मेम्ब्रेनियस है, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। और वो एक्चुअली क्या करते हैं पता है, कि जो भी प्रोटीन है वो राइबोसोम्स में बन गया, ठीक है, अभी वो प्रोटीन ER में से ट्रांसपोर्ट होके जाएगा गॉल्जी एपरेटर्स में और गॉल्जी एपरेटर्स में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा, स्टोरिंग होगा और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट होगा इधर सेल के आउटसाइड में या सेल के दूसरे अलग अलग डिफरेंट पार्ट में। ओके, सो यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने कि मटेरियल सिंथेसाइज इन ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पेस्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू गॉल्जी एपरेटर्स। ओके, मतलब राइबोसोम्स है उसने मैन्युफैक्चर किया, क्या मैन्युफैक्चर किया, प्रोटीन मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, फिर वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया उसको हमने दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया कि प्राइमरी जो भी पैकेज करना होगा वो पैकेजिंग कर लिया, उसके बाद वो ER में से ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा गॉल्जी एपरेटर्स तक। गॉल्जी एपरेटर्स क्या करेगा कि अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो प्रोटीन में तो वो मॉडिफिकेशन करेगा, फिर उसको और अच्छे से पैक करेगा
और अच्छे से पैक हो जाने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा इधर आउटसाइड ऑफ द सेल और डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल. सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी एपरेटस? दैट इज द पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन. ओके, द सेकंड फंक्शन ऑफ गॉल्जी एपरेटस इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम आपको आगे पढ़ने में आएगा, मतलब इसके तुरंत बाद का ही टॉपिक है लाइसोसोम. सो हम वो उसके बारे में आगे पढ़ लेंगे, बट इतना याद रखना कि गॉल्जी एपरेटस है उसमें से ही लाइसोसोम्स बनता है और लाइसोसोम्स जो है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और ये जो गॉल्जी एपरेटस है वो सिंपल शुगर्स का कॉम्प्लेक्स शुगर्स में फॉर्मेशन करता है. ओके, तो इतने फंक्शन से गॉल्जी एपरेटस का और इतना ही है गॉल्जी एपरेटस. तो सिर्फ क्या याद रखना है, किसने गॉल्जी एपरेटस फाइंड आउट किया है? कैमिलियो गॉल्जी. ओके, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल्जी एपरेटस? एंड थर्ड इज द कनेक्शन बिटवीन ईआर एंड गॉल्जी. एंड फोर्थ इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी एपरेटस. दैट्स ऑल. ओके, सो आज हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी एपरेटस ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स कंप्लीट करते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी, आई विल ऑलवेज हेल्प यू. ओके, थैंक यू सो मच.